राज्यों में तूफान और आंधी की आशंका जताई है। इसके साथ ही उत्तर पूर्व और दक्षिण के कुछ राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बुधवार रात भी यूपी राजस्थान समेत देश के उत्तरी इलाकों में धूल भरी आंधी चली। इसके असर से गुरुवार को दक्षिणी राज्यों में जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 5 से 7 मई तक उत्तराखंड, राजस्थान, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर आंधी तूफान की आशंका है। लेकिन हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको खबरदार करने के लिए हैं। इसीलिए अगले 2 दिन तक आप घर में रहें तो बेहतर होगा। बाहर जाए तो चेहरा ढक कर जाए, जिससे सांस की परेशानी हो वो ज्यादा सावधान रहें। और मौसम विभाग ने क्या कुछ अनुमान जताया है और कब सावधान रहने के लिए कहा है ये भी जरूर देखिए। भयंकर तूफान और जानलेवा तबाही, ये तस्वीरें बुधवार की हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि खतरे की घड़ी बीत गई तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खतरनाक आफत फिर लौट सकती है। ये अलर्ट मौसम विभाग का है कि देश के कई राज्यों में 100 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी कहर बरपा सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है और तूफान की आशंका से प्रभावित राज्यों के लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जिन राज्यों में तूफान कहर बरपा सकता है वो 17 राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके साथ में जो प्लेन्स हैं पंजाब, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी, यहां पर थंडर स्क्वैल अलोंग विद हेल एंड जो आपके मैदानी भाग हैं वहां पर थंडर स्टॉर्म्स विद गस्टी विंड तेज